गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे फंजाई रिप्रोडक्शन में मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चरण कितने होते हैं, तो तीन चरणों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संपन्न होता है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। प्लाज्मोगेमी में सिर्फ कोशिका द्रव का संलयन होता है, केंद्रकों का संलयन नहीं होता है, और यहाँ डाइकेरियन अवस्था बन जाती है, एक कोशिका में दो केंद्रक हो जाती है, जिसे डाइकेरियोटिक फेज कहा जाता है। उसके पश्चात कैरियोगेमी क्रिया होती है, अर्थात दोनों जो केंद्रक अलग अलग कोशिकाओं से आए हैं वो दोनों केंद्रकों का संलयन हो जाता है और एक डुप्लोइड न्यूक्लियस बन जाता है, जिसे सिल कैरियन कहा जाता है। इसके पश्चात कुछ समय पश्चात ही मियोसिस क्रिया प्रारंभ हो जाती है और अर्धसूत्र विभाजन होकर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो जाइगोस्पोर बन जाता है, स्पोर बन जाएगा, यह हमने जाना था। मोनोसियस डायोसियस के बारे में पढ़ा था और साथ में गैमिटेंजिया। गैमिटेंजिया क्या है? गैमिट उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं। तो कवकों में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें विशेष प्रकार की संरचनाएं बनती है, उन्हें गैमिटेंजिया कहा जाता है। गैमिटेंजिया मतलब है गैमिट उत्पन्न करने वाली, अर्थात युग्मक निर्माण करने वाली कोशिकाओं को कहा जाएगा फंजाई में गैमिटेंजिया। तो यहाँ फंजाई रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, अलग अलग प्रकार के। तो देखिए, ये तो कुछ है प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। प्लेनोगैमेट किसको कहा जाएगा? ऐसे युग्मक जो कि नेक्र होते हैं, जिन पर कोशिका भित्ति का आवरण नहीं पाया जाता है, मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब है चलनशील होते हैं, अर्थात इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो ऐसे युग्मक जिनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, इनमें संयुग्मन होता है, तो ये पाया जाएगा लोअर फंजाई। निम्न श्रेणी के कवकों में जैसे कि ओमाइसिटिस में, कोटिडियोमाइसिटिस, हाइपोकोटिडियोमाइसिटिस टाइप के फंजाई में पाया जाएगा। तो इसमें दो जो युग्म प्लेनोगैमिट्स है, उनमें फ्यूजन हो जाएगा चल युग्मकों में और इनके द्वारा एक युग्मक जायगोट का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो पाया जाएगा, इसका एग्जाम्पल है एलोमाइसिस। एग्जाम्पल एलोमाइसिस या सिनकाइट्रियम। सिनकाइट्रियम इसके एक एग्जाम्पल और है, सिनकाइट्रियम। दूसरा जो टाइप है यहां पर प्लेनोगैमिट का मतलब है गैमेटिक कॉपुलेशन। दोबारा सुन, प्लेनोगैमिट चलनशील मोटाइल गैमिट, मोटाइल जो गैमिट्स होते हैं उन्हें कहा जाएगा प्लेनोगैमिट। प्लेनोगैमिट मतलब चलनशील युग्मक, जो चल होते हैं उन्हें फ्लैजिला पाए जाते हैं। दूसरा है गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि एक एंथीडिया बनेगी और ओगोनियम, दोनों अलग अलग बनेंगी। जैसे कि ये कवक तंतु है और ये दूसरा कवक तंतु है, दोनों में केंद्रक है, तो इसमें से एक जो कवक तंतु है ये बनाएगा एंथीडिया, इसका फॉर्मेशन करेगा, एंथीडिया का फॉर्मेशन करेगा। दूसरी जो कवक तंतु है ये बनाएंगी ओगोनियम, अंड युग्मक। ये बन गया एंथीडिया और ये है ओगोनिया, उन्धानी एंथीडिया और ये है ओगोनिया। एक कवक तंतु बनाएगा एंथीडिया, एक बनाएगा ओगोनियम, ठीक है। अब यहां कॉन्टैक्ट का मतलब है कॉन्टैक्ट, एक निषेचन नलिका का फॉर्मेशन होगा। निषेचन नलिका किसमें बनेगी? ये जैसे कि ये एंथीडिया से एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, ये फर्टिलाइज ट्यूब बन गई यहां पर, ये है फर्टिलाइजेशन ट्यूब। निषेचन नलिका का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा एंथीडिया के अंदर,
अब ये निषेचन नलिका जो है ये उगोनियम के अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो यहां देखेंगे ये एंथेलिया रहा, ये निषेचन नलिका और ये उगोनियम। उगोनिया के अंदर क्या होगा, ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब जो है वो प्रवेश कर जाएगी और इसका जो केंद्रक है, ये इसका केंद्रक है, ये केंद्रक कहां चला जाएगा, ये जो केंद्रक है निषेचन नलिका के माध्यम से उगोनियम के अंदर प्रवेश कर जाएगा और यहां पर ये एक, यहां कौन सी क्रिया हो जाएगी, एक कोशिका में दो केंद्रक हो जाएंगे, एक केंद्रक है ये और दूसरा ये, एक इसका केंद्रक और एक खुद का इसका केंद्रक, दोनों एक कुछ। तो ये जो क्रिया है ये क्या कहलाएगी, प्लाज्मोगैमी। तीन चरणों में होगा प्लाज्मोगैमी, एक कोशिका में दो केंद्रक हो गए, ये केंद्रकों का संलयन अभी नहीं होता है, कुछ समय पश्चात यहां से इनका संलयन हो जाएगा केंद्रकों का, ये केंद्रकों का संलयन हो गया और एक द्विगुणित केंद्रक बन जाएगा। तो ये जो क्रिया ये क्या कहलाएगी, कैरियोगैमी, केंद्रकों का संलयन होना कैरियोगैमी कहलाएगी और यहां से इसमें होगा मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन और बन जाएंगे स्पोर। स्पोर्स का फिर क्या होगा, जर्मिनेशन, वही जर्मिनेशन होगा और बन जाएगा माइसीलियम। तो ये पूरा का पूरा चरण कहलाएगा गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट क्या है, दो अलग अलग कवक तंतु, एक से एंथेलिया फॉर्मेशन हो जाएगा एक कवक तंतु से और दूसरी अलग अलग है, अर्थात ये कैसी हो जाएंगी, डायोसियस है, डायोसियस एक एंथेलिया बनाएगी एक उगोनिया बनाएगी। एंथेलिया से फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, ये निषेचन नलिका बन जाएगी, ये उगोनियम के अंदर प्रवेश कर जाएगी और इसका जो केंद्रक है एंथेलिया का वो इस निषेचन नलिका के माध्यम से उगोनिया के अंदर प्रवेश कर जाएगा और यहाँ प्रवेश करने के बाद ये प्लाज्मोगैमिक क्रिया होगी, दोनों केंद्रक एक ही कोशिका में जाएंगे, डाइकैरियन अवस्था कहलाएगी, ये अवस्था कहलाएगी डाइकैरियन, एक ही कोशिका में दो केंद्रकों का पाया जाना डाइकैरियन। उसके पश्चात कैरियोगैमिक क्रिया होगी, दोनों केंद्रकों फ्यूजन हो जाएगा और सिनकैरियन बन जाएगा एक डिप्लॉइड केंद्रक, सिनकैरियन या डिप्लॉइड बन जाएगा, द्विगुणित केंद्रक का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, कैरियोगैमिक क्रिया हो जाएगी, थोड़े समय पश्चात यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होंगे और स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये स्पोर जब जर्मिनेशन होंगे तो माइसीलियम का निर्माण करेंगे। तो ये देखते हैं गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में इस प्रकार का पूरे की पूरा प्रोसेस पाया जाता है। नेक्स्ट है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। ये कॉपुलेशन जो है इसमें क्या होता है कि दो कवक तंतु है, एक कवक तंतु ये है, दूसरा कवक तंतु ये है, दो कवक तंतु है, इनसे गैमेटेंजिया का निर्माण होता है, गैमेटेंजिया अर्थात गैमेट उत्पन्न करने वाले। तो इनमें क्या होगा, इनमें दोनों में जिनके एक सिरा है वो फूल जाएगा और किसका निर्माण करेगा, गैमेटेंजिया का निर्माण करेगा और ये जो केंद्रक है इसके वो इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो ये क्या बन गया यहां पर, गैमेटेंजिया, गैमेटेंजिया बन जाएंगे अर्थात गैमेट का फॉर्मेशन करने वाला। इसी प्रकार से इसमें भी गैमेटेंजिया बन जाएंगे। अब क्या होता है कि ये दोनों गैमेटेंजिया जो है वो एक दूसरे के पास आ जाती है, पास आने पर इनकी वर्णिश भित्ति है वो गल जाएगी और दोनों इसका दोनों केंद्र किस में जाएंगे, एक कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो यहां हम देखते हैं, ये देखिए इसका ये दोनों के जो केंद्रक है वो इसमें उभयनिष्ठ भित्ति वाले जो एक जगह है उसमें प्रवेश कर जाएंगे और ये बनाएंगे, यहां पर कौन सी क्रिया हो गई, कैरियोगैमी की क्रिया हो गई, ये कैरियोगैमी हो गया और कैरियोगैमी होने के बाद दोनों जो केंद्रक है इसमें क्या, ये है प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी नहीं, ये है प्लाज्मोगैमी,
फर्स्ट जो चरण है वो है प्लाज्मोगेमी का, प्लाज्मोगेमी। अब दोनों को अंदर एक कोशिका में आ गया, होगी कैरियोगेमी की क्रिया, यह है कैरियोगेमी। दोनों के अंदर कहां जाएंगे, एक के अंदर प्रवेश कर जाएंगे दोनों के दोनों, दोनों का फ्यूजन हो जाएगा और एक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण हो जाएगा। स्पिनकेरियन बन गया, जायगोट बन गया, उस्पोर बन गया, जायगोट और उस्पोर इसको कहा जाता है निषेकांड। यहां से वही मियोसिस की क्रिया होती है और क्या बन जाएंगे, बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे। इन स्पोर्स का अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरण होगा, जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन, और बन जाएगा माइसीलियम। तो ये है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। अलग अलग कवक तंतुओं में गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले अलग अलग कवक तंतु होंगे, दोनों में गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन होगा। गैमेटेंजिया का मतलब है गैमेट उत्पन्न करने वाले कोशिका, ये दोनों गैमेट उत्पन्न करेंगे। गैमेट से दोनों अलग अलग है, दोनों आपस में मिल जाएंगे, दोनों के केंद्रक है वो एक कोशिका में आ जाएंगे, प्लाज्मोगेमिक क्रिया हो जाएगी, उसके पश्चात दोनों के अंदर फ्यूजन होगा, कैरियोगेमिक क्रिया हो जाएगी, द्विगुणित केंद्रक का फॉर्मेशन हो गया, जायगोट और उस्पोर बन गया। इसमें मियोसिस से स्पोर बनेंगे और स्पोर का अनुकूल समय परिस्थिति आने पर जर्मिनेशन होकर के माइसीलियम का निर्माण होता है। नेक्स्ट है स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन का मतलब स्पर्मेशियम या पिकनेडियल स्पोर, इनको दूसरा नाम दिया गया है पिकनेडियल, पिकनेडियोस्पोर और स्पर्मेशिया अर्थात अचल पमणु, अर्थात ये गतिशील नहीं करते हैं, स्थिर रहेंगे। तो पिकनेडियोस्पोर जो खासियत है, पिकनेडियोस्पोर ये पाया जाता है बेसिडियोमाइसिटिस के, बेसिडियोमाइसिटिस संवर्ग के पक्सीनिया में। बहुत अच्छा एग्जांपल इसका ये पक्सीनिया के अंदर देखने को मिलता है। इसमें क्या है कि अचल पमणु एक पिकनेडियल बन जाएगा। पिकनेडियल कब बनता है इससे, और इसके अंदर बहुत सारे, ये पिकनेडियल कब बन गए, तो यहां पर स्पोर बन जाते हैं, इनको बोलते हैं पिकनेडियो स्पोर अचल पमणु। ये तो ये जो है, ये पिकनेडियो स्पोर जो है स्पर्मेशिया है, पास में स्थित, पास में रिसेप्टिव हाइपी होते हैं। यहां पर रिसेप्टिव हाइपी, ये रिसेप्टिव हाइपी है जो इनको ग्रहण करते हैं, रिसेप्टिव हाइपी, ऐसे ग्राही कवक तंतु। ये जो है इनके अंदर भी केंद्रक पाया जाता है। ये स्पर्मेशिया का जो केंद्रक है, ये यहां पर कीट के, वायु के, जल के माध्यम से यहां पहुंच जाते हैं और यहां आकर ये चिपक जाएंगे, ये स्पर्मेशिया, और यहां पर इनका जो केंद्रक है वो इसके अंदर मुक्त हो जाएगा और द्विगुणित केंद्रक का वो इस प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी की, प्लाज्मोगेमी की क्रिया होगी और एक कोशिका में दो केंद्रक हो जाएंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार का स्पर्मेटाइजेशन जो है ये पाया जाता है बेसिडियोमाइसिटिस के पक्सीनिया में। स्पर्मेशिया अचल पमणु है, ये पिकनेडियल कप के अंदर बनती है, कप है, इसका नाम है पिकनेडियल, इसलिए इनको पिकनेडियल स्पोर भी नाम दिया गया है। शीर्ष पर खुला हुआ पाया जाता है, कहा जाता है ऑस्टियोल, ऊपर ढक्कन नुमा छिद्र पाया जाता है, ऑस्टियोल कहा जाता है। यह पिकनेडियल कप स्पर्मेटाइजेशन हो गया। और गैमेटेंजियल कॉपुलेशन इसका एग्जांपल है म्यूकर और पाइलोबोलस, म्यूकर है, पाइलोबोलस इसका एग्जांपल। और इसका गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट इसका एग्जांपल है स्क्लेरोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा, ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा, हरित वाली रोग इसी से होता है, ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा स्क्लेरोस्पोरा। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है एल्बुगो, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। तो दोनों बड़े अच्छे एग्जाम्पल स्क्लेरोस्पोरा, ह्यूमाइसिटिस सदस्य दोनों के दोनों, एल्बुगो और स्क्लेरोस्पोरा दोनों का क्या है, इससे होता है ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा, एल्बुगो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर।
तो ये हमने, और एक है पांचवा जो सबसे लास्ट है वो है सोमेटोगैमी। सोमेटोगैमी में दो कवक तंतु जो कि कायिक कवक तंतु है आपस में ही इनमें फ्यूजन हो जाएगा। ये कवक तंतु है, दो कवक तंतु है, ये दोनों कवक तंतुओं में आपस में फ्यूजन हो जाएगा और उभयनिष्ठ भित्ति इनकी गल जाएगी। तो ये सोमेटोगैमी में क्या होगा, किसी प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण नहीं होगा। दो जो कायिक कवक तंतु है उनमें आपस में ही फ्यूजन हो जाता है। तो एक अलग कवक तंतु है और दूसरा कवक तंतु अलग है, दोनों में फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए किसी प्रकार का सेक्स ऑर्गन नहीं है। इस प्रकार के फ्यूजन को बोलते हैं सोमेटोगैमी कायिक युग्मन। तो ये हमने देखा कि पूरा फंजाई रिप्रोडक्शन मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पांच प्रकार का है। प्लेनोगैमेटिक, जिसमें कि चल युग्मक है, लोअर क्लास की फंजाई है जो कि जलीय कवक है उनमें ये पाया जाता है ज्यादातर, जिसमें डैक मोटाइल होंगे। दूसरा गैमेटेंजर कॉन्टैक्ट में होगा, एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का निर्माण होगा, सीधा का सीधा फर्टिलाइज ट्यूब एंथीडिया के अंदर बनेंगी और इसके अंदर इससे जो न्यूक्लियस है वो यूगोनिया के अंदर प्रवेश कर जाएगा। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, जिसमें गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन होगा, दोनों गैमेटेंजिया का निर्माण होने के बाद फूलकर गुब्बारे से संरचना बन जाएंगे गैमेटेंजिया और इन दोनों में आपस में फ्यूजन हो जाता है। स्पर्मेटाइजेशन में क्या होगा, अचल पुंगनु का निर्माण होगा। ये बेसिडियोमाइसिटिस की पक्षी ने इसका एग्जाम्पल है। तो ये स्पर्मेशिया बन जाएगा। सोमेटोगैमी दो कायिक कवक तंतु आपस में मिल जाएंगे, इनमें सेक्सुअल ऑर्गन का निर्माण नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच। Thank you.